फ्रेस्को केस। ओके, आज ना मैं बड़ी परेशान हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि अपने अपने फेवरेट कलर्स बताएंगे, एंड 50 स्ट्रेंथ जो है मेरी क्लास की, 50 स्ट्रेंथ है, 50 स्टूडेंट्स सबने अपने अलग अलग कलर बता दिए, किसी का रेड, किसी का ग्रीन, किसी का येलो, किसी का पर्पल। ओ माई गॉड, मेरा सर जो है पूरी तरह से घूम गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा किसका क्या है। दिस इज क्या है, ये क्या है? डाटा, डाटा। ओके, अनदर एग्जाम्पल, आप किसी मिठाई की शॉप पे गए, ठीक है, आपने वहाँ देखा बहुत तरह की, इतनी सारी स्वीट्स हैं आपकी शॉप में, कोई रसगुल्ला, किसी का फेवरेट हो सकता है, किसी का बर्फी, किसी का कुछ, किसी का आप एक बार के लिए पजल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज दैट कि आप एक शू वाला, एक शू पीपर, शू आपके शू शॉप है, उसके अंदर उसका शूज आए, बाई चांस ये ट्रक से डाउन नीचे उसके जो शूज हैं वो गिर गए, सारे मिक्स हो गए, मैच हो गए हैं, आप वो क्या करें, वो अपने सारे शूज कैसे अरेंज करें, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये सारे एग्जाम्पल्स थे मेरे डाटा के। डाटा क्या होता है? डाटा होता है एक रफ इंफॉर्मेशन, और आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मीन्स अपने जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी रॉ इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरह से अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, उसको हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। जिसमें जो फर्स्ट आपकी जो मेथड है, वो फर्स्ट मेथड मेरे पास है टैली, ठीक है, टैली मार्क्स कहते हैं इसको। और टैली मार्क्स जो होता है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है लाइन्स, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से। अच्छा, अब जल्दी से हम डाटा को, अभी हमने समझ लिया एक रफ इंफॉर्मेशन है, और जब हम डाटा हैंडलिंग का मतलब हमने समझा कि जो हमारा डाटा है उसको एक सीक्वेंस या ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम करते हैं, तो वो मेरे पास डाटा हैंडलिंग हम उसको कहलाते हैं, ठीक है। अब हमने डाटा हैंडलिंग में फर्स्ट जो मेरा मेथड है वो है मेरा टैली मार्क्स। अब टैली कैसे करते हैं? सपोज मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरे पास 10 स्टूडेंट है, कितने 10 स्टूडेंट, इन 10 स्टूडेंट्स ने अपने कलर बताए, मेरे को रेड पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को येलो पसंद है, किसी का फेवरेट हो सकता है अगेन रेड, अगेन येलो, अगेन रेड, अगेन ग्रीन, अगेन रेड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन येलो एंड अगेन रेड, कलर्स उसने, हमारे जो 10 स्टूडेंट थे उन्होंने अपने कलर्स बता दिए। अब क्या करना है, अब तो इतना सा काम है, करना क्या है, टैली मार्क्स। मार्क्स का मतलब यहाँ मार्क्स से नहीं है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन है किससे, लाइन्स से, ठीक है। अब इसके लिए छोटा सा टेबल होता है, टेबल कैसे बनाते हैं, ये मैंने बनाया टेबल, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमें किसके बारे में निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, कलर्स के बारे में हमें निकालनी है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ हम लिखेंगे कलर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कलर्स कौन कौन से हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक येलो है, ठीक है। एक रेड है मेरे पास, एक येलो है मेरे पास और एक ग्रीन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ हम लिखते हैं टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। अब टैली कैसे करते हैं, टैली मीन्स काउंट करना, तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास रेड कितने कलर है, कितने टाइम्स आया है, ये आ गया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम, ठीक है। तो यहाँ रिप्रेजेंट करना है लाइन से, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, नो ऐसे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर 4 लाइन के बाद हम अपनी जो 5th हमारा जो लाइन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कटिंग करके। तो ये एक मेरा जो सिंबल है, जैसे 1 2 3 4, अब आपको 5th लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, हम 5th लाइन को कैसे करेंगे, 4th लाइन को कट कर देंगे एक लाइन से, तो वो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है किसकी, 5, इसका मतलब क्या है, 5, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास येलो, येलो कितनी है, 1 2 3, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3,
नेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन कितने कलर? ओके एक और दो, यानी टू स्टूडेंट्स ने सिर्फ ग्रीन कलर को लाइक करा। अच्छा टैली मार्क्स बन गए। यहाँ हम डालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स अभी पता चलेगा क्या है फ्रीक्वेंसी। जो हमने रिप्रेजेंट करा है उसका हमें नंबर लिखना होता है। ये कितने रिप्रेजेंटेशन थी? फाइव, तो हम यहाँ लिखेंगे फाइव। ये कितने रिप्रेजेंटेशन थी? थ्री, तो यहाँ हम लिखेंगे थ्री। ये कितनी है? टू, इसको हम लिखेंगे टू। ठीक है, अब एक बड़ा सुंदर सा एक क्विक छोटी सी की है आपके लिए कि जो हमारे अगर हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं, सपोज यहाँ स्टूडेंट्स नहीं लिखे होते और सीधा हमारे पास ये डाटा गिवन होता, तो अब हम कैसे पता करते कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमने जो रिप्रेजेंटेशन करी है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। उसमें क्या करना होता है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी आती है इसको यहाँ हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने में क्या आएगा? फाइव एंड थ्री एट, एट एंड टू दिस इज टेन। तो हम अपने जो हमारे पास डाटा आया है उसको हम देख लेते हैं काउंट करके कि हमारे पास ये टेन ही है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अगर इफ आपका जो फ्रिक्वेंसी का सम है और आपका जो डाटा है उसकी काउंटिंग मैच करती है, इट मीन्स कि आपका जो टैली मार्क्स आपने शो करे हैं वो आपकी करेक्ट फॉर्म में है।